जाए जाए हो आशिक है हम आशिकी मिल जाए तो चैन आ जाए 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 नगमा कहे मौसिकी मिल जाए तो रंग छा जाए 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 बावरिया जो है तेरी चाल वही है मेरी चाल मिला ले तू मिला ले मेरी चाल से ताल से हम हो गए मदहोश में धड़कन बाजे 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 हो आवारगी छा गई जुड़ तीरे नजर के धागे 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 बेखुदी बढ़ गई चाहतों से है अरमा जागे 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 बावरिया पी देना ये साल सा है मेरा हाल मिला ले तू मिला ले मेरे साल से ताल से ताल Come on, get your ताल with the style and have some fun now. Anuj travels. Aditya bhaiya, Anuj hospital mein hai. Hospital? Kaun sa hospital? कितनी जोर से चीखी थी नेहा मैं तो घबरा गया था अच्छा भाई ये उसे घर छोड़ा वरना आपने तो अनुज की भैया हेलो भैया आप आदित्य श्रीवास्तव अंदर जो पेशेंट है वो मेरा भाई है टेल मी समथिंग मिस्टर आदित्य इन्हें दमे की शिकायत कब से है जी 6 साल का था तब से और शराब और सिगरेट की लत जी देखिए मिस्टर आदित्य आपका भाई चाहिए ये सब आपके सामने करता है या आपसे छिप करके करता है दोनों ही सूरतों में दमा तो उसी का बढ़ेगा इस बार तो वो किसी तरह से बच गया है लेकिन उसकी जो हालत है ही रियली नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ सो प्लीज टेक केयर यशवंत ठाकुर की पोस्टिंग हमारे एरिया में हुई है एरिया का क्राइम 25 से 30% कम हुआ है और इसके अलावा
ये तुम्हारे कॉलेज की फीस और ये किताबों के पैसे जो तुमने मांगे थे। बाकी किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना, मैं शाम को लेता आऊंगा। भैया मैं सोच रहा था कि अगर आप ऑफिस जा रहे तो मैं भी। ठीक है, रास्ते में छोड़ दूंगा, अपना जूस तो पी लो। इससे अच्छा तो आप मुझे थप्पड़ लगा देते। क्यों चुप रहकर सजा दे रहे हो? आप यही चाहते ना कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊं, तो कह क्यों नहीं देते अपने मुंह से? डरता हूं कि तू पलट के जवाब ना दे दे, बड़ा चौक है। लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले अनुज, तेरी जिंदगी तेरी नहीं मेरी है, तुझे अपने लिए नहीं मेरे लिए जीना पड़ेगा। इतना सा था, अपनी गोद में लेके बड़ा किया तुझे, माँ बाप दोनों बनकर। तू जानता है अनुज, तू जानता है तेरे सेवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगा, तू करे ना करे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। भैया आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, आई लव यू। मेरी बात को लाइटली मत ले अनुज, बंद कर दे अपने आवारा दोस्तों के साथ उठना बैठना, वरना एक दिन तुझे। ओके भैया, मैं ख्याल रखूंगा। चल जा, लेट हो रहा है। थैंक यू, ओके बाय। पिया तू अब तो आ जा, शोला मन बैठे आके बुझा जा। आ गया अपना भाई, बड़े भाई की डांट खा के। हाय हाय अनुज। हाँ अनुज, बैठ बैठ। हाँ अनुज, सिगरेट? नहीं यार, मूड नहीं है। वो भरद्वाज का आदमी आया था, बोल रहा था क्वेश्चन पेपर्स आज रात को प्रिंसिपल के लॉकर में रहेंगे। किसी भी तरह अगर हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर्स को कॉपी करके बाहर निकलवा लिया तो 15,000 तक देने को तैयार है वो। नहीं यार, तुम लोग देख लो, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तू क्यों अपने चक्कर में हम लोग को मरवा रहा है यार? ये सब ठीक बोल रहे हैं अनुज, और तू जानता है ये काम तेरे बिना हो नहीं सकता। वैसे भी तेरे भैया तुझे शराब और सिगरेट पीने से मना करते हैं ना, झोल करने से तो नहीं? अच्छी बात है, अगर पैसे कमाने तो पूरी तरह कमाने चाहिए। भरद्वाज को बोल के काम हो जाएगा, मगर 15,000 नहीं 20,000 लगेंगे। आपके भाई ने ताला तोड़कर क्वेश्चन पेपर्स को बाहर नहीं निकाला है, बल्कि अपने भविष्य को हमेशा के लिए ताले में बंद कर दिया है। मिस्टर श्रीवास्तव, जो लड़का थोड़े से पैसों के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि थोड़े और पैसों के लिए कल को किसी का खून नहीं करेगा? अनुज ऐसा कभी नहीं करेगा सर, उससे जो कुछ भी हुआ है बचपन में हुआ है,
देखिए मिस्टर श्रीवास्तव, हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, मुजरिमों को पनाह देना नहीं। अगर आपकी इज्जत का ख्याल नहीं होता तो मैं इसे कब का पुलिस के हवाले कर चुका होता। आपका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए ही मैं सिर्फ इसे कॉलेज से रेस्टिकेट कर रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद अनुज ऐसा कोई काम नहीं करेगा। एक बार ये दाग इसके माथे पे लग गया ना सर, इसे कोई कॉलेज एडमिशन नहीं देगा। ये इसके करियर का सवाल है। प्लीज सर। ठीक है, इससे कहो इंक्वायरी कमेटी के नाम एक एप्लीकेशन दे दे। अब जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले इसे अपने उन सब दोस्तों के नाम देने होंगे जो उस रात इसके साथ थे। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, इसे एक दिन का वक्त दीजिए, कल तक इसके उन सब दोस्तों के नाम आपके पास पहुंच जाएंगे। चल लिख उन लोगों के नाम जो उस रात तेरे साथ थे। सुना नहीं तूने? लिख उन लोगों के नाम। मैं अपने दोस्तों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। किन दोस्तों की बातें कर रहा है? वो लोग जो तुझसे चोरी करवाते, गलत काम में तेरी मदद मांगते, उन्हें तू दोस्त कहता है? वो जो भी हो भैया, मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। अपने करियर के साथ धोखा कर सकता है? हाँ, अपनी जिंदगी के साथ धोखा कर सकता है? अपने बड़े भाई के साथ धोखा कर सकता है? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया भैया, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। सही गलत के बारे में तुझे पता होता ना तो ऐसा करता ही नहीं। अरे मैं तुझे क्या बनाना चाहता, तू क्या बनता जा रहा है? अनुज तुझे पैसे ही चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। तू जानता है आज मैं वहां नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मुझे कॉलेज से निकाल देते ना तो निकाल दे मुझे। मुझे भी कोई शौक नहीं है पढ़ाई वढ़ाई का, कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा मैं। क्या करेगा तू? हाँ, चोरी करेगा, डाका डालेगा या उन लोगों के साथ मिलकर गैंग बनाएगा? एक बात ध्यान से सुन अनुज, मैं तेरी वजह से नजर झुका के नहीं जीऊंगा। हम इज्जतदार लोग हैं और मैं अपने जीते जी तुझे हमारे खानदान का नाम बदनाम नहीं करने दूंगा। खानदान के नाम पे मुझे लेक्चर मत दीजिए भैया। हमारे खानदान का नाम तो उसी दिन बदनाम हो गया था जिस दिन आप लड़ाई छोड़कर भागे। मुझे तो सिर्फ कॉलेज से निकाला गया ना, मगर आपको तो सरेआम बेइज्जत करके नौकरी से निकाला गया था। आज मेरी इतनी सी बात से आपकी नजरें झुक रही हैं? अरे इतने सालों तक आपकी बुजदिली की वजह से मैं अपना सर झुका के चलता रहा। यू आर अ कावर्ड, कायर हैं आप, और एक कायर का लेक्चर मैं सुनना नहीं चाहता। सुन लिया आपने? सर, हमें तो इन्फॉर्मेशन 4-5 की थी, यहाँ तो 15-20 हैं। बैकअप फोर्स बुलाएं? बैकअप फोर्स को आने में टाइम लगेगा। वी कांट वेट, टेक योर पोजीशंस। ओके सर। Oh!
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज अ वेरी वेरी स्पेशल इवनिंग. मेजर आदित्य हैज डन ए रिमार्केबल जॉब. जिस तरह अपनी जान पर खेलकर आदित्य ने उन आतंकवादियों को पकड़ा है, ऐसे ऑफिसर पर हम सबको गर्व करना चाहिए. ब्रावो मेजर. 3 चीयर्स फॉर मेजर आदित्य. हिप हिप हुर्रे. हिप हिप हुर्रे. हिप हिप हुर्रे. Enjoy yourself, Major. Excuse me. इस पार्टी में बस तुम ही तुम हो. सब लोग तुम्हारी बातें कर रहे हैं. Especially the girls. And what about this girl? तुम्हारी नजरों में तो मेरी कोई कीमत ही नहीं. मैं छोटे मोटे कारनामों से खुश नहीं होने वाली. मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हैं. मैं जानती हूँ तुम एक दिन बहुत बड़ा काम कर दिखाओगे. वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है. मोटिवेशन? हाँ. Will the most beautiful girl in this party honor me with a kiss? क्या कर रहे हो? पापा देख लेंगे. तो देखने दो. वो अपनी बेटी को अपने रेजिमेंट के सबसे बहादुर ऑफिसर को किस करते देखेंगे तो खुश हो जाएंगे. ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा. सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा. नाराजगी में भी तालु ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा. हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा. सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा. इश्क में आपके रात दिन, रात दिन, रात दिन. जीना नहीं है गवारा, आप बिन, आप बिन, आप बिन. चाहत का मारा ओ दिल तुझ पे हारा, है सबसे प्यारा ओ ये नाता यारा. ओ दिल रुबा रे, और किसी से अब ये नाता ना जोड़िएगा, ना जोड़िएगा. सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा. ख्वाबों के घर में ओ इन रंग रंगियों में तुम ले आए हो
ऑफिसर्स, ये वो रास्ता है जहां से दुश्मन देश के जासूस किसी ना किसी भेष में हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे एरिया में घुस आते हैं। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कल सुबह भेड़ बकरियां चराने के बहाने उनका एक खतरनाक जासूस कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन के साथ हमारे बॉर्डर को क्रॉस करने वाला है। हमें दुश्मन के इस आदमी को खत्म करके वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पर हासिल कर ली। मैं इस काम में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए इस ऑपरेशन की कमांड मेजर आदित्य श्रीवास्तव को सौंपता हूं। मेजर, इस ऑपरेशन में कैप्टन अजय शर्मा और दो जवान तुम्हारे साथ होंगे। सर, आई हैव स्पॉटेड द मैसेंजर। ये तो छोटा सा बच्चा है। He can't be the messenger. यही बच्चा ही मैसेंजर है। उसके गले में जो पाउच है, मैसेज उसी में होगा। No one is going to shoot this child. इस बच्चे को क्या मालूम? कोई इसे इस तरह इस्तेमाल कर रहा है। सर, सीओ साहब का ऑर्डर है मैसेंजर को शूट करने का। We have to shoot him. No one is going to shoot the child. हम ये मैसेज बच्चे से छीन भी सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कि उसे यहाँ किसने भेजा है। सर, ऑर्डर ये नहीं है, ऑर्डर है मैसेंजर को शूट करने का। आए दिन वो लोग किसी न किसी को जरिया बना के हमारे मुल्क में भेजते रहते हैं। हम बच्चे को नहीं, हम जरिए को खत्म कर रहे हैं। We have to break the chain. वो हमारे लिए बच्चा नहीं, सिर्फ दुश्मन है। मुझे उस बच्चे में कोई दुश्मन नजर नहीं आता। मैं अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन किसी मासूम की जान नहीं ले सकता। सर, दिस इज सबॉर्डिनेशन। आप इसका अंजाम जानते हैं? अंजाम जो भी हो, no one is going to shoot this child. It is an order. This mission is over. No, sir. Mission is not over. जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने पापा से बात कर ली है, तुम बस इस अपॉलजी लेटर पर साइन कर दो, बाकी सब पापा संभाल लेंगे। पायल, तुम जानती हो मैंने जो कुछ भी किया सही किया है, फिर भी तुम चाहती हो कि मैं माफी मांग लूं? नहीं पायल, आज अगर मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए माफी मांग ली तो जिंदगी भर अपने आप से आंख नहीं मिला पाऊंगा। बात तुम्हारी नौकरी की नहीं, हमारी जिंदगी की है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो कल तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो जाएगा, सबके सामने इल्जाम लगाकर जलील किया जाएगा तुम्हें, और जो लोग तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं कल तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। कल इस शहर को मैं हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूं। आदित्य, मैं पापा को कभी समझा नहीं पाऊंगी। तुम जानते हो वो हमेशा से मेरी शादी आर्मी ऑफिसर के साथ करना चाहते थे। तुमने जो किया उससे पहले ही बहुत नाराज हैं। मैं उन्हें कभी मना नहीं पाऊंगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। नहीं पायल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। आर्मी कोर्ट तो अपना फैसला कल सुना देगी, लेकिन मैं तुम्हारा फैसला भी सुनना चाहता हूं। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं पायल। मैं जानता हूं ये इतना आसान नहीं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारा जो भी फैसला हो मुझे उसे कोई शिकायत नहीं होगी। मेजर आदित्य श्रीवास्तव ने ना सिर्फ अपने कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर्स फॉलो करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनके साथ आर्गुमेंट भी किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैप्टन अजय शर्मा को भी उनके ऑर्डर्स पूरे नहीं करने दिए। इस
इसका नतीजा ये हुआ कि दुश्मन उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स के साथ बॉर्डर पार कर गया। सो दिस कोर्ट हियर बाय कैशियर्स मेजर आदित्य श्रीवास्तव फ्रॉम द मिलिट्री सर्विस। हेलो हेलो मोहित। हाँ भैया। अनुज तुम्हारे साथ है? नहीं, पर क्यों? कुछ नहीं, बस कल थोड़ा सा डांट दिया था मैंने, शायद पूरा मान के आओ। रात भर घर नहीं आया और उसने फोन भी नहीं किया मुझे। मैंने सोचा तुम्हारे पास होगा। आप टेंशन मत लीजिए, जाएगा कहाँ, मैं बाकी दोस्तों को फोन करके पता लगाता हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में कॉलेज तो खुलने वाला है, वहां पर तो वो जरूर आएगा। ओके मोहित, थैंक्स। पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए वो कॉलेज तो जरूर आता है। हाँ, कल शाम मिला था मुझसे, थोड़ा अपसेट था। मैंने पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया, कॉइन मांगा था उसने मुझसे फोन करने के लिए। राइट। असलम ने कल उसे फोन बूथ के पास कुछ 4:30 बजे देखा था। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था ये तो पता नहीं, पर उसके बाद उसने अनुज को रिक्शे में बैठ कर कहीं जाते हुए देखा था। आप टेंशन मत लीजिए भैया, हम लोग जल्दी ही उसका पता लगा लेंगे। जी भैया, हम आपके टच में रहेंगे और जैसे ही पता चला आपको इन्फॉर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग सर, मेकर्स चेंबर से फोन आया था हीरानंदानी का। वो लोग हमारी एजेंसी के थ्रू मलेशिया जाना चाहते हैं वाया सिंगापुर। 60 लोगों का ग्रुप है सर, हमने कोटेशंस दे दी हैं, पर वो आपसे बात करना चाहते हैं। आप कहीं तो मैं फोन लगा दूं? सर हीरानंदानी को क्या कहना है? कौन हीरानंदानी? तुम बात में आओ। ओके सर। Excuse me, sir. And I tell you what, the crowd that is present here, they've come here to see 100 from the blade of. There'll be something inevitable about it. When I watched, saw him walk out last night with 4 balls remaining. क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। तो रुक ना, इतनी जल्दी क्या है? तेल लगो भी इतनी जल्दी नहीं है। रुक। क्या बात है साला, सावन। वाह बेटा वाह, क्या शॉट मारा है साला, क्या बात है यार। एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, तेरा क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मेरा भाई कल शाम से लापता है। ये सावन की बीवी भी लापता है, इसको भी कंप्लेंट लिखवानी थी, बाद में पता चला झगड़ा करके मायके चली गई है। सावन, अरे उसके दोस्तों को फोन कर, पता चल जाएगा। मैं उसके दोस्तों से पूछ चुका हूँ। क्या उम्र है उसकी? 21 साल। क्या हुआ? मैंने बोला था इसको ध्यान से खेल, ज्यादा शरणपति नहीं करने का, अभी जाके मर साला। अरे यार, 21 साल का छोकरा ही गायब हुआ है ना, 16 साल की छोकरी तो नहीं जो बार बार ये मेरा टेबल बजा रहा है। आप मेरी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? पहले इसको निपटाता हूं, एक मिनट।
कब से लापता है तेरा भाई? कल शाम 4 बजे के बाद उसे किसी ने देखा नहीं। तेरे को कायदा कानून कुछ मालूम है कि नहीं? 24 घंटा पूरा होने से पहले मैं टेक्निकली कोई भी कंप्लेन लिख नहीं सकता, और अभी 4 बजने में 2 घंटे बाकी। चल निकल अब, 4 बजे के बाद आ। और दोबारा अगर मेरा टेबल बजाए ना तो भाई के साथ तू भी लापता हो जाएगा। चल चल। Come on, India! आपका भैया जाएगा साहब, पानी पी लीजिए। ये उम्र ऐसी है साहब, इस उम्र में अधिकतर लोग अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं। वैसे महमूद नाम है मेरा, महमूद भाई कहते हैं सब यहां। पानी पी लीजिए। नाम बोले यार। जी बोला ना आदित्य। अबे अपना नहीं, गुमशुदा का। अनुज श्री। ए साउंड, मेरा पेन लिया क्या तूने? अरे तेरे पेन की मैं बत्ती बनाऊंगा क्या? अरे यार चल, नाम बोल, नाम बोल। जी अनुज श्री। यादव, ए कल इंडिया पे लगाता क्या? ए तू दिमाग का दही मत करा। पता नहीं साला क्या हो गया इस इंडियन टीम को, पैसा खाया इन लोगों ने, पैसा खाया। ए तू उनका पैसा छोड़, पहले मेरा पैसा निकाल। तीन का भाव था। तू साले सुधरेगा नहीं। ले तेरा तू मीटर डाउन ना, ले गिन ले, गिन ले। सर। ए, कल का भाव बोलना। 1 का 2 न्यूजीलैंड पे। भाई साहब आप। और ये तेंदुलकर ने सेंचुरी मारा तो? 5,000 नकद ऑन द स्पॉट। भाई साहब। और तेंदुलकर आउट हो गया तो? पार्टी। अच्छा पार्टी। साले मतलब मेरा पैसा तो हमेशा लेता रहेगा और तू मेरे को पार्टी देगा? आप लोग मेरी कंप्लेंट लिखेंगे या नहीं? मजाक बना रखा आप लोगों ने। 2.5 घंटे से मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ। मेरा भाई कल शाम से घर वापस नहीं आया है और आप लोगों को क्रिकेट देखने की पड़ी है। मैं पूछता हूं, सरकार आपको तनख्वाह किस चीज के लिए देती है? पब्लिक की मदद करने के लिए या पुलिस स्टेशन में बैठकर क्रिकेट देखने की? सर, सर क्या हो रहा है यादव? नहीं कुछ नहीं सर, ये आदमी। सर मैं बताता हूं, 2 घंटे से मैं अपने गुमशुदा भाई की रिपोर्ट लिखाने की कोशिश कर रहा हूं और कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। मैं पूछ सकता हूं, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए आप आइए मेरे साथ। महमूद भाई जरा चाय बोल दो। सिगरेट? जी नहीं। देखिए अपने लोगों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर यकीन मानिए सब पुलिस वाले एक से नहीं होते। सर इस वक्त मैं सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ। छोटा है आपसे? जी हमारे बीच में झगड़ा हो गया सर। वैसे तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता, एक्चुअली मैंने उसे कुछ ज्यादा ही डांट दिया, इसी का बुरा मान गया वो। घर तो आ जाना चाहिए था सर। मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम, समझ में नहीं आ रहा सर। मैं सब जगह ढूंढ चुका हूं। सब जगह से आपका मतलब? कॉलेज, कैंटीन, दोस्तों के घर, हॉस्पिटल्स। भगवान ना करे उसे कुछ हो गया हो, पर फिर भी हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो या फिर गुस्से में आके उसने कुछ करने की कोशिश की हो। देखिए परेशान ना होइए, मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। उसका कोई फोटोग्राफ है आपके पास? जी जल्दबाजी में भूल गया। खैर कोई बात नहीं,
आप ऐसा करिए, आप बाहर जाके बाकी के डिटेल्स लिखवा दीजिए और जल्द से जल्द उसका कोई फोटोग्राफ हमें भेज दीजिए। हम अपना काम शुरू कर देते हैं और तब तक आप भी हॉस्पिटल्स वगैरह में फ़ोन करके पूछताछ कीजिए, ठीक है? हेलो जीजे हॉस्पिटल, आपके पास कैजुअलिटी में कोई केस आया? पर तो फिर इमरजेंसी में चेक कीजिए ना प्लीज। अनुज जी, अनुज श्रीवास्तव। एज यही कोई 22 साल का होगा। नहीं नहीं, मोटा नहीं है। ओह थैंक्स। हेलो हेलो अमित भैया है वहां पर? हाँ है ना, क्यों कुछ पता चला क्या? हाँ जरा उनको फोन दे, जरूरी बात करनी है। हाँ देता हूँ। अच्छा सुन, एक काम कर। हाँ? तू जितनी जल्दी हो सके भैया को लेकर यहाँ पर आ जा। कहाँ? ओके भाई साहब, जरा एक बार इनको भी बॉडी दिखा देंगे क्या? रे इधर मुर्दे लोग का नुमाइश लगा है क्या? कभी खुद आता है, कभी अपने दोस्त लोगों को लेके आता है। चल अबे सुबह आना। भाई साहब प्लीज, वो उसके बड़े भाई हैं। प्लीज भाई साहब, सिर्फ 2 मिनट के लिए खोल दीजिए। जल्दी करना अभी, तुम लोगों की वजह से मेरी लास्ट ट्रेन छूट गई ना, तो टैक्सी का भाड़ा भी तुम्हारे से ही लूंगा मैं। अंदर आने के लिए इनविटेशन देना पड़ेगा क्या? हाँ? अंदर आ जा और मुर्दे का चेहरा देख ले। साला इस सड़ी हुई लाश के सामने अपन जिंदगी भर खड़ा नहीं रह सकता यहां। केस में एनकाउंटर हुआ है साले का, सरकारी गोली लगी है सीने में, माल लेके सटक रहा था, पुलिस ने 2 इंच का होल करके सुला दिया साले को। अभी देख कैसा बास मार रहा है सड़ेले कुत्ते की। तो
आई कार्ड और ये उसका पर्स। ये सब सामान हमें डेड बॉडी से बरामद हुआ है। साहब, यहां दस्तखत कीजिए। जिस भाई को बचपन में कंधे पे उठा करके घुमाया हो, उसी भाई की लाश को कंधे पे उठाकर कब्रिस्तान ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत हिम्मत चाहिए। खुदा आपकी हिम्मत बरकरार रखे। दिवंगत का नाम क्या है? अनुज श्रीवास्तव। ओम ऋग्वेदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। दिवंगत के पिता का नाम क्या है? स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तव। स्वर्गीय दीनानाथ श्रीवास्तवस्य पुत्रस्य अनुज श्रीवास्तवस्य अस्थि अहम विसर्जनम करिष्ये। अस्थि विसर्जन कीजिए। पापानी जन्मांतर कितान च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भैया, मुझसे ये नहीं होगा मोहित। मैं उस अनुज की अस्थियां नहीं पा सकता जो ड्रग्स का धंधा करता था। सरकार लाखों रुपए खर्च करके हम इसलिए तुटे नहीं करती कि हम 20-22 साल के लड़कों पे गोली चलाएं। मैं उस अनुज की अस्थियां पाऊंगा जो मेरा छोटा भाई था। सिर्फ 10 साल की उम्र में तुझे एक बाप और बड़े भाई दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। आज से अनुज की सारी जिम्मेदारी तुझको सौंप रहा हूं। इसकी लगाम खींच के रखना। मैं जानता हूं तेरे रहते भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे हमारे खानदान की इज्जत पे कोई दाग लगे। जिसे अच्छा आदमी बनाने का मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था, मेरा अनुज जैसा भी था इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकता था। मैं जानता हूं मेरी परवरिश में इतनी कमी कभी नहीं हो सकती, लेकिन ये बात अब मुझे दुनिया के सामने साबित करनी पड़ेगी। मैं अपने अनुज को इस तरह माथे पे कलंक लगा के इस दुनिया से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मेरा भाई ड्रग्स का धंधा नहीं कर सकता, मुझे पूरा यकीन है। या तो पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है या वो किसी साजिश का शिकार हुआ है। देखिए, मुजरिम के माथे पर नहीं लिखा होता कि वो मुजरिम है। मेरा भाई मुजरिम नहीं था, मुझे पूरा विश्वास है। रंगे हाथों पकड़ा गया था वो। अरे, पुलिस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है वो आधे किलो माल के साथ भाग रहा था। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दे दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है। देख, हमारे साथ मगजमारी मत कर। हमने कह दिया ना कि हम पुलिस रिपोर्ट की कॉपी किसी को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्या मुझे पूरी बात जानने का हक नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ हुआ क्या था, ऐसे क्या हालात थे कि उसे रोकने के लिए पुलिस को एक के बाद एक 3 गोलियां चलानी पड़ी। हादसा एग्जैक्टली किस जगह पर हुआ था? क्या पुलिस के अलावा वहां पर कोई और भी आई विटनेस था? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई मुजरिम था तुम्हारा भाई। सर, और उसका वही अंजाम हुआ जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक खतरनाक मुजरिम का हो सकता है। देखो, ये एक सरकारी मामला है। इस तरह से हम पुलिस रिकॉर्ड की कॉपी हर मुजरिम के घर वालों को बांटते रहे तो एक नया डिपार्टमेंट खोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई का केस बंद हो चुका है, अब तुम घर जाओ और हमें अपना काम करने दो। मगर सर, बस पिछली बार एक आम आदमी समझ के मैंने आपकी मदद की थी, मगर इस बार अगर आपने ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो मुझे आपके साथ उसी तरह से पेश आना पड़ेगा जैसे एक मुजरिम के बड़े भाई के साथ आना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? तुम लोग आओ मेरे साथ।
दिल बड़ा करके सब कुछ भूल जाइए साहब। कुरेदने से जख्म बढ़ते नहीं है, हरे हो जाते हैं। जब चाहे अपने भाई की राख को ठंडा हो जाने दीजिए। टटोलने से तो आप खुद अपनी उंगलियां जला बैठेंगे। दिल नहीं मानता महमूद भाई, जो इल्जाम वो मेरे भाई पे लगा रहे हैं वो कभी सच नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता वो भाई खला कैसे पहुंच गया, वो भी ड्रग्स के साथ। महमूद भाई आपको मेरी मदद करनी होगी, पुलिस रिकॉर्ड रूम में उस रिपोर्ट की कॉपी जरूर होगी, अब वो कॉपी मुझे दिला दीजिए, मैं उसे खुद पढ़ना चाहता हूं। यूं समझ लीजिए उस रिपोर्ट के जरिए मैं अपने भाई को आखिरी बार मिल सकता हूं। मैं जानता हूं साहब, आपके दिल में अपने भाई के लिए जो प्यार है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे, अच्छा लड़का लगा मुझे। आप जाइए साहब, मैं कोशिश करूंगा। अगर मेरा बस चला तो दो दिन के अंदर उस पुलिस केस की कॉपी आपके पास होगी। थैंक यू महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच। साहब कोई पुलिस वाला आया था, नाम नहीं बताया, सिर्फ ये देके चला गया। ठीक है। और जब हमारी टीम गाड़ी के पास पहुंची तो वो मर चुका था। He was dead on the spot. मिला तो थोड़ी देर के लिए ही था उसे, जितना कुछ मुझे मालूम था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आप जानते हैं महमूद भाई, जरूर कुछ ऐसा है जो आप उसे छुपा रहे हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक किसी ने उन्हें टिप दी, उन्होंने अनुज का पीछा किया, अनुज ने अपनी गाड़ी रोकी नहीं इसलिए मजबूरन उन्हें उस पर गोली चलानी पड़ी जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो गई। अगर ये सब सही है तो फिर आप अनुज से कहां मिले थे? मैं उसे कहां मिला था? मैंने तो बस लाश देखी थी उसकी। अगर आप उसके मरने से पहले उससे नहीं मिले थे तो आपने ये कैसे कह दिया कि वो अच्छा लड़का था? महमूद भाई मैं अपने भाई को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन आपका एक जवाब उसके माथे पे लगे दाग को हमेशा के लिए मिटा सकता है। उस दिन तो आप कह रहे थे दिमाग खराब हो गया था मेरा उस दिन, पता नहीं क्या क्या बक्या मैं। सच वही है जो कि उन तीन लोगों ने उस रिपोर्ट में लिखा है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। महमूद भाई प्लीज, देखिए मैं बाल बच्चे दर आदमी हूं,
मैं जो कुछ भी कर सकता था वो सब कुछ मैंने आपके लिए किया। अब आप एक एहसान मेरे पर कीजिए कि आज के बाद आप मुझसे मत मिलिएगा। कहाँ जाना है साहब? 201 201 201 तो बंद है। सक्सेना साहब तो कभी का छोड़ के चले गए। आपको मालूम है कहाँ गए? ये नहीं बता सकता साहब, ऑर्डर नहीं है। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। आपको मंगता है तो आप सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए, उन्होंने एड्रेस देने से बिल्कुल मना किया है अपने को। देखो मैं इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ, मेरे पास उनके नाम का एक ड्राफ्ट है, अगर मैं उनसे नहीं मिला तो उन्हें 5 लाख का नुकसान होगा और तुम्हें 500 का। थैंक यू साहब। एड्रेस? कहिए। सक्सेना साहब हैं जी? आप? आदित्य श्रीवास्तव। आइए। कहिए। मिस्टर सक्सेना। लेकिन आप कौन है? जी मैं अनुज का बड़ा भाई हूँ। रमोना घर पे नहीं है? देखिए मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको पता चल ही गया होगा। रमोना दोस्त थी उसकी, मैं उससे मिलकर। रमोना किसी से नहीं मिल सकती, डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। पर उसे हुआ क्या है? अनुज की मौत से उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। वो तुमसे मिलेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा, इसलिए प्लीज यहां से चले जाओ। देखिए। देखो मिस्टर, तुम्हारा भाई मर चुका है लेकिन मेरी बेटी अभी तक जिंदा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। मेहरबानी करके यहां से चले जाइए। मगर सर, मैंने कहा ना प्लीज यहां से चले जाइए। रमोना, मैं आदित्य, अनुज का बड़ा भाई। मैं किसी अनुज को नहीं जानती। ऐसा मत कहो रमोना, मैं मुंबई से सिर्फ तुम्हें मिलने आया हूँ। अनुज के साथ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी अनुज को नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। परेशान करने नहीं आया हूँ, तुम्हारे उससे प्यार करती थी, शायद इसीलिए एक उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। उसके जीते जी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान पाया, पर उसके मरने के बाद मैं अनुज के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। क्या वो सच मुझे ड्रग पेडलर था?
मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, पर अगर ये झूठ है तो मैं उस पे लगे बदनामी के दाग को मिटाना चाहता हूं, और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं होटल ट्यूक्स में ठहरा हूं, कल सुबह तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा, पर अगर तुमने अनुज को सच्चे दिल से प्यार किया है तो तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। उस दिन आपसे झगड़ा करके वो मेरे पास आया था, बहुत प्यार करता था आपसे, शायद इसीलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, बहुत डिस्टर्ब था वो, जब भी उसका मूड खराब होता था हम लोग ड्राइव पे जाते थे, उस दिन भी हमने ऐसा ही किया। मैं भैया का दिल दुखाना नहीं चाहता था, मगर गुस्से में मुझसे निकल गया। इट्स ऑल राइट अनुज, गुस्से में होता है, भैया भी इतना ही चाहते हैं कि तुम कोई उल्टे सीधे काम ना करो। रमुना, मैं जब भी उन्हें अच्छा बनकर दिखाने की कोशिश करता हूँ मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो जाता है। डोंट वरी अनुज, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं रमोना, शायद इस बार भैया मुझे माफ नहीं कर पाएंगे। रिलैक्स, आई एम श्योर भैया तुम्हें माफ कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? हाँ, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है बे? आपका प्रॉब्लम क्या है? देर रात तक गाड़ी में छोकरी के साथ चुम्मा चाटी करता है और हमको पूछता है प्रॉब्लम क्या है। हाँ, गाड़ी के बाहर तेरे को पूरी डिटेल में बोलता है प्रॉब्लम क्या है। चल बाहर आ, इस टाइम में यहाँ पे क्या कर रहा है? बातें कर रहा था। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्पेंड लाइसेंस, गाड़ी का पेपर। बातें कर रहा था और दूसरी कोई जगह नहीं मिली क्या? चल दे लाइसेंस दे। क्यों, यहाँ पर बैठकर बातें करना मना है क्या? लाइसेंस। अरे लाइसेंस देना। देखिए, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, आप इस तरह मुझसे बदतमीजी नहीं कर सकते। लॉ का स्टूडेंट है, लॉ तो नहीं है ना? कानून का स्टूडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कानून को कानून सिखाना बुरी बात है। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ बैठकर लाइसेंस नहीं है सर, दादा तलाशी रहे उसकी। चल। कुछ नहीं सर। उसकी भी आप एक औरत की तलाशी ऐसे कैसे करवा सकते हैं? क्यों मैडम को मर्दों के टच से औरतों का टच ज्यादा पसंद है क्या? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी वर्दी का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। यादव, गाड़ी में डाल इसे। कौन से चार्ज में? चल बताता हूँ कौन से चार्ज में। तू चार्ज नंबर एक, आधी रात को पब्लिक प्लेस में इश्कबाजी करना। चार्ज नंबर दो, पकड़े जाने पर पुलिस स्टेशन आने से इनकार करना। चार्ज नंबर तीन, पुलिस ऑफिसर्स को गाली निकालना, उन पर हमला करना और उन्हें जान से मारने की धमकी देना, वो भी दारू के नशे में। दारू के नशे में मैं नहीं, तुम लोग हो। चार, एसीपी यशवंत ठाकुर से ऊंची आवाज में बात करना। झूठ है, एसीपी साहब से ऊंची आवाज में बात करता है, ऊंची आवाज में बात करता है। अनुज, जी आवाज में बात करेगा? तेरी
फिर से चिपकने का इरादा है क्या? चल इधर। गाड़ी में दवा रखी है। He's asthmatic। अनुज को दमे की बीमारी है। ये पुलिस स्टेशन है मैडम। यहाँ आते ही लोगों को दमा डायरिया सब शुरू हो जाता है। He's having an attack, officer. मर जाएगा वो। अरे ऐसे थोड़ी ना मरने देंगे। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अनुज। भयंकर, भयंकर, भयंकर। अनुज। जाने दीजिए साहब, बच्चा है। चल। प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाइए। ये तो मर गया सर। क्या बकवास कर रहा है? मेरे अनुज को मार दिया तुम लोगों ने। ये अकेले सोच रहे तो मुझे चल डाले से। मरी हुई है, इसको क्या मारना? हेलो, तेरी बेटी का यार अनुज श्रीवास्तव कुछ देर पहले पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ड्रग रनर था वो। तेरी बेटी भी उसके साथ थी। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ तेरी बेटी को, बस थोड़ा सा सदमा पहुंचा। मेरा नाम है एसीपी यशवंत ठाकुर। मैं जो कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुन। मिल गई ना तेरी बेटी? जी। चुपचाप उसको लेके यहां से निकल जा। समझना कि तुम दोनों का मुंबई से तड़ी पार हो गया। और किसी से कहना मत, वरना ठोक दूंगा तेरी बेटी को भी, समझा? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? Thank you. ये शहर अगर रात को चैन की नींद सोता है तो एसीपी ठाकुर जैसे ऑफिसर्स की वजह से। He is the man who stands guard, puts his life on line, so that we don't lose any sleep. Officer, question for you. Yeah. आपको कभी डर नहीं लगता है? Don't you ever get scared for yourself?
डर तो लगता है लेकिन अपनी जान के लिए नहीं। डर लगता है कि कहीं कोई क्रिमिनल मेरे हाथ से निकल ना जाए। थैंक यू एवरीवन। दैट्स द स्पिरिट, वे टू गो ऑफिसर। थैंक्स। दाद देनी पड़ेगी ऑफिसर, बड़ी बहादुरी का काम करते हो। अकेले लड़के का फर्जी केस बनाकर अच्छे तरीके से उसका फॉल्स एनकाउंटर करते हो। अपनी बहादुरी के कारनामे सुनकर, लोगों से तारीफें सुनकर छाती 4 इंच चौड़ी तो हो गई होगी। वैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट ने मेडल के लिए तुम्हारा नाम रेकमेंड किया या नहीं? ए, क्या बकवास कर रहे तुम? इसे अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी ले जाओ इसको। अनुज जैसे बहुत से लोगों को अपनी गोली का शिकार बनाया होगा तूने, पर आज तक तो इसलिए बचा रहा क्योंकि उनमें से किसी का बड़ा भाई आदित्य श्रीवास्तव नहीं था। ये शहर भले चैन की नींद सोए पर आज के बाद तू कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। वादा है मेरा तुझसे, एक बड़े भाई का वादा। तेरी वर्दी और उस वर्दी की गर्मी दोनों नहीं उतरवाए ना तो मेरा नाम भी आदित्य श्रीवास्तव नहीं। आपने तो कमाल कर दिया, उस एसीपी के तो पसीने छूट गए सर। आपको क्या लगता है सर, उन वर्दी वाले गुंडों को सजा मिलेगी? कोशिश तो मेरी यही है सर। डू यू वांट टू चेंज द सिस्टम? मेरी लड़ाई सिस्टम से नहीं, सिर्फ उन 3 ऑफिसर से है। आपका अगला कदम क्या होगा? इंसाफ मांगूंगा। मिलेगा? लेट्स सी। एक रिपोर्ट लिखानी है। पेन तो नहीं होगा आपके पास? हाँ? पेन? किसकी रिपोर्ट लिखवानी है? अपने भाई के मर्डर की। आप रिपोर्ट लिखेंगे या मैं 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे के बाद आऊं? ए, क्या बकवास कर रहा तू? क्या रिपोर्ट लिखानी है तुझे? जब तेरे भाई का खून हुआ ही नहीं तो सजा किसे दिलाएगा तू? अब 2 मिनट के अंदर ही यहां से दफा हो जा वरना कोई ऐसा केस बना के अंदर कर दूंगा कि सारी जिंदगी भर तू। रुक क्यों गए? जो कुछ कहना इन सबके सामने कहिए, इन्हें भी पता चले कि इंसाफ मांगने वालों की जुबान आप किस तरह बंद करते हैं। एसीपी यशवंत ठाकुर, मैं यहां एक आम नागरिक की हैसियत से अपने छोटे भाई के कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आया हूं। क्या पुलिस मेरी रिपोर्ट लिखेगी? यादव रिपोर्ट लिखो इसकी। मरने वाले का नाम? अनुज श्रीवास्तव। कंप्लेंट किसके खिलाफ है? आपके। क्या हुआ, नाम भूल गए अपना? मैं याद दिलाता हूं, सुनील यादव, यशवंत ठाकुर। दीपक सावंत, इन तीनों ने मिलकर मारा है मेरे भाई को। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पूरी ईमानदारी के साथ अपना फर्ज निभाएगी। सर, 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 आप कुछ तो बताइए। सर, 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 मिस्टर श्रीवास्तव की बातों में कितनी सच्चाई है? इजी, इजी, देखिए, देखिए। नो कमेंट्स। हमारे राज्य के लिए बड़े ही शर्म की बात है कि आपके 3 ऑफिसर्स आजकल मीडिया के केंद्र बने हुए हैं। उनके कारनामों को यहाँ विपक्षी दल वाले उछाल रहे हैं। आप लोग गलतियां करते हैं और सर हमें झुकाना पड़ता है। हर जगह से लेटर्स आ रहे हैं। मुझे जल्द ही अनुज श्रीवास्तव के केस का पूरा स्पष्टीकरण चाहिए। विनायक साठे, गृह मंत्री, महाराष्ट्र राज्य। क्या है ये सब? क्या जवाब दूं मैं गृह मंत्री साहब को?
30 साल की नौकरी में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है मेरे साथ। कोई बेगुनाह मेरे हाथों मारा न जाए, इसलिए कितने गुनेगारों पर गोलियां नहीं चलाई है मैंने, और आज मेरे ही पुलिस डिपार्टमेंट पे यह दाग लग रहा है। यह सब उस लड़के की वजह से हो रहा है सर। मीडिया के अटेंशन लेने के लिए वैसे हरकतें कर रहा है सर। मुझे उस लड़के से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने ऑफिसर से जानना चाहता हूं कि सच क्या है। आप तो मेरे रिकॉर्ड जानते ही हैं सर। एक मिनट ठाकुर यादव, तुम बताओ बताओ ये सच है या झूठ। देखो यादव, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। झूठ है सर, एकदम झूठ है। इल्जाम लगा रहा है सर ये लड़का हम पर, एसीपी साहब को बदनाम करना चाहता है। झूठ है सर, एकदम झूठ है। ठीक है, सच और झूठ का तो पता चल ही जाएगा मुझे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर अदालत में तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत पेश हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। पहली बार किसी ने मुझे इतना जलील किया। जी तो कर रहा कि कमिश्नर की बोलती बंद कर दूं। बोलती अगर बंद करनी है तो उस लौंडे की करिए सर। वो अगर अदालत में पहुंच गया ना तो कमिश्नर हमारे कुछ नहीं कर सकते। बहुत चालाक है वो लड़का, पूरे मीडिया को साथ में लेके घूम रहा है। बात होम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। अब तो अगर सचमुच उसका एक्सीडेंट हो गया तो बात हम तक आ जाएगी। तो फिर क्या करें हम? हाथ पर हाथ धरे उसे अदालत जाते देखते रहे, चुपचाप फांसी पर चढ़ जाए? वो अदालत नहीं जाएगा। वो कैसे सर? पुलिस का डर पुलिस की मार से ज्यादा होता है। हमारे पुलिस स्टेशन में आकर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएगा तू? हमें कोर्ट ले जाएगा? सावंत, एक जैसा खून है ना तुम दोनों भाइयों का, वो भी इसी तरह तुम्हारी तरह हमारी बात ना मानकर जिद कर रहा था। क्या हुआ, मारा गया कुत्ते की तरह? अब भी तेरा दिमाग अगर ठिकाने पे नहीं आया तो तुझे भी उसी की तरह ठिकाने लगाना पड़ेगा। अरे उसकी लाश को आग देने वाला बड़ा भाई तो था, तेरी तो लाश को भी। मैं अब तक जी रहा था अपने भाई के लिए और अब जी रहा हूं उसकी मौत का बदला लेने के लिए। कान खोल के सुन ले यशवंत, जब तक मैं तुम लोगों को अदालत में फांसी की सजा न दिलवा दूं, मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी।
हेलो मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव, सर आपका इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर रस्तोगी, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना यहाँ, एक मिनट में आपसे बाद में बात करता हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव आइए। आदित्य श्रीवास्तव प्लीज बैठिए। वेल डन मिस्टर श्रीवास्तव, कीप इट अप। भाई जिस तरह आपने पुलिस डे पर एसीपी ठाकुर की भाई मैं तो आपका फैन हो गया, मजा आ गया। बताइए क्या लेंगे आप? आपकी मदद, आप इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं। अगर आप मेरे भाई का केस ले लें तो मैं अनुज के कातिलों को सजा जरूर दिलवा पाऊंगा। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जैसे नौजवानों की हमारे देश को सख्त जरूरत है। कहां है वो जोश, वो जज्बा, वो जिद, वो हिम्मत उन नौजवानों में जो आपने दिखाई है? अगर आप मेरे पास नहीं आते तो मैं खुद आपके पास चलकर आता और कहता कि ये केस मैं हैंडल करूंगा। थैंक यू सर। सर आपकी फीस मैं क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपसे फीस लूंगा? पहली बार किसी ने सिस्टम और पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई है। विल यू प्लीज कम इनसाइड? या मिस्टर श्रीवास्तव, मैं आपकी आवाज में आवाज मिलाना चाहता हूं। यस आओ। पहला आप हैं मिस्टर आदित्य श्रीवास्तव। और ये है पायल, मेरी जूनियर है। आप अपने केस की सारी डिटेल्स इनको बता दीजिए। पायल जी। अनुज नाम था उसका। उनतीस दिसंबर की दोपहर को वो मुझसे झगड़ा करके घर से चला गया। मैं जानता था ये साला यहाँ जरूर आएगा। इस शहर में एक ही वकील है जो इस मरे हुए केस में जान डाल सकता है। से मिलना जरूरी था इसीलिए चली आए। वॉचमैन ने बाहर वेट करते हुए देख लिया तो चाबी दे दी। बैठो। अनुज के साथ जो कुछ हुआ उसका बहुत अफसोस है मुझे। मैं उसे बचा तो नहीं पाया पायल, लेकिन उसके कातिलों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। इसीलिए तो मलकानी साहब के पास गया था। अच्छा उन्होंने मेरा केस ले लिया। नहीं आदित्य, उन्होंने अनुज का केस लेकर अच्छा नहीं किया। तुम कहना क्या चाहती हो पायल? तुम्हारे जाने के बाद एसीपी यशवंत अपने दोनों इंस्पेक्टर्स के साथ वहां आया था। ठाकुर साहब, आप गर्दन का नाप देने आओ मलकानी साहब। भाई सुना है आप हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमें फांसी पे चढ़ाने वाले हैं। पायल मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जी। कैसी बात कर रहे हैं एसीबी साहब? आप आपको फांसी पे चढ़ाएंगे तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मतलब आप उस लड़के का केस नहीं ले रहे? क्यों नहीं लेंगे है? भाई जरूर लेंगे, हम तो केस जरूर लेंगे। मतलब ये एसीबी साहब कि अगर हमने उसका केस नहीं लिया तो कोई और वकील ले लेगा, और वो कोई और वकील हमारी तरह आपका दोस्त नहीं होगा। वो अदालत में गवाह पेश करेगा, सबूत पेश करेगा, केस की तह तक जाएगा। और जहां तक इस केस के बारे में मैं जानता हूं, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर वो वकील जरा सा होशियार हुआ
तो इस लड़के के साथ मिलकर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर सकता है। नहीं नहीं, नाउ यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। हम है ना, हम ये केस दोनों ही तरफ से लड़ेंगे। यूं समझिए कि मेरे करियर में पहली बार मैंने कोई केस हारने के लिए लिया है। समझ में नहीं आता किस पर भरोसा किया जाए। अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मुझे असलियत का पता ही नहीं चलता। थैंक्स। पर अगर मलकानी को पता चल गया तो तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? तुम क्या सोचते हो, जो आदमी तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है, मैं उसकी नौकरी करूंगी? मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, मैं चलूं? चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। टैक्सी। क्या दो कदम साथ नहीं चल सकते हम? सॉरी दोस्त, तुम जाओ। कोई बात नहीं साहब। तुम रहती कहाँ हो? अभी भी बहुत दूर नहीं हूं तुमसे। अभी अपनी दिल की बात कहनी नहीं आई तुम्हें आदित्य? अगर तुम चाहते हो कि मैं अनुज का केस लड़ूं तो बोल क्यों नहीं देते? डरता हूं। आज भी तुमने ना कह दी तो? अनुज सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं था आदित्य, वो मेरा भी कुछ लगता था। उसकी मौत का दर्द तुम्हें ही नहीं मुझे भी है। मैं भी उसके कातिलों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। मैं ये केस लड़ना चाहती हूँ आदित्य, लेकिन क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? अपने आप से भी ज्यादा। आपसे ही प्यार आपका था मुझे, हर पल इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझसे मेरे यार है गिला, आपसे ही प्यार आपका था मुझे हर पल इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। अब मुझसे मेरे यार आपकी खता बेवफाई माफ करता है दिल जाने क्यों। आपसे सनम इंतहाई प्यार करता है दिल जाने क्यों।
हम ये नहीं कहते दिल के बुरे हो तुम गुस्ताख या लेकिन करते रहते हो तुम हम ये नहीं कहते दिल के बुरे हो तुम गुस्ताख या लेकिन करते रहते हो तुम चलो तुम दो कदम चले हम खामोशियों का ये किस्सा खत्म करें हम दो कदम चलो तुम दो कदम चले हम खामोशियों का ये किस्सा खत्म करें हम आपकी सभी खामोशियां माफ करता इस केस में हमें दो लोगों से मिलना बहुत ही जरूरी है अनुज की गर्लफ्रेंड रमोना से और हवलदार महमूद से क्या सोच रहे हो सोच नहीं रहा देख रहा हूं उस टैक्सी को ये टैक्सी दो दिन से मेरे आसपास घूम रही है और आज सुबह से यहीं खड़ी है ओह गॉड यानी कि ये लोग हम पे नजर रख रहे हैं फिर हम महमूद भाई से कैसे मिलेंगे मिलेंगे रात होने के बाद लो अब तो पर्दा भी बंद हो गया लगता है हो गया डिंग डोंग चालू हाँ भाई छोटे भाई की मौत का गम गलत कर रहे होंगे क्या बात है उठ रहे पीछा कर सर खुद पूछेगा हमसे सुन नहीं दिया टन टना टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12 क्या तकदीर है इन लोगों का बाप अब ये लोग अंधेरे में किसी कोने में बाहों में बाहें डालकर खुद का शो शुरू कर देंगे और जब तक इनका शो चलेगा हम कुत्ते की तरह उनकी गाड़ी की रखवाली करेंगे साला नसीब पांडू तो क्या करेगा क्या करे के ना करे ये कैसी मुश्किल है ओ मेरे भाई बाय 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 बस यहीं रुको भाई साहब महमूद भाई कह रहे थे जब तक क्लाइमैक्स नहीं होगा ना तब तक बाहर नहीं निकलेगा साला सिगरेट दे मतलब आप उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देंगे देनी पड़ेगी उसे नीरानी के होटल पर मैंने सच बोलने से मना तो कर दिया था लेकिन यकीन मानिए सारी रात मुझे नींद नहीं आई अच्छा ये सोचता रहा कि आप लोगों की मदद ना करके मैं भी तो वही गुनाह कर रहा हूं जो कि इसी भी साहब और उन दोनों ने किया
उन्होंने आपके भाई को मारकर उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया और मैंने सच को आपके भाई की लाश के साथ दफना दिया। क्या फर्क रहा मुझ में और उन लोगों में? हवलदार की हुई है एसीपी की, वर्दी तो वर्दी होती है साहब, और उसकी इज्जत न करके मैं भी वही गुनाह कर रहा हूं जो कि उन लोगों ने किया। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका तो दिया। कब चलना है कोर्ट? जल्दी ही। अगर कल सुबह केस कोर्ट में एडमिट हो गया तो बहुत जल्दी आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तब तक किसी को आप पे शक नहीं होना चाहिए। आप लोग बेफिक्र होकर के घर जाइए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका केस एडमिट हो जाएगा। योर ऑनर, अनुज श्रीवास्तव। अनुज श्रीवास्तव उन मुजरिमों में से एक था योर ऑनर, जो थोड़े से पैसों के लिए हमारे देश के तमाम नौजवानों को खोखला करने में लगे हुए हैं। योर ऑनर, अनुज श्रीवास्तव एक ड्रग रनर था। ड्रग रनर। 29 नवंबर की रात को 11 बजे रोड पर वो पुलिस एनकाउंटर में उस वक्त मारा गया योर ऑनर, जब वो ड्रग्स के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था। योर ऑनर, इस तरह के केसेस मुजरिम की अंतिम सांस के साथ ही खत्म हो जाते हैं योर ऑनर। उनको दोबारा जिंदा करना मतलब मुर्दे में जान फूंकने के बराबर है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अदालत का कीमती वक्त बर्बाद करने के बराबर है। लिहाजा मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि इस तरह का केस अदालत में एडमिट ही न किया जाए, क्योंकि योर ऑनर यह तो कोई केस ही नहीं है। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जानती हूं कि अदालत का वक्त बहुत कीमती है, इसीलिए लंबी स्पीच देने के बजाय मैं कोर्ट को कुछ दिखाना चाहूंगी। ये लीजिए। योर ऑनर, ये उस गाड़ी की तस्वीर है जो पुलिस के मुताबिक अनुज श्रीवास्तव चला रहा था, और ये वो पुलिस रिपोर्ट जिसमें साफ साफ लिखा है कि अनुज श्रीवास्तव ड्रग्स लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसे रोकने की कोशिश की, दो बार वार्निंग दी, और जब वो नहीं रुका तो उस पर गोली चलानी पड़ी और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। योर ऑनर, अगर अनुज असलियत में पुलिस से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी गाड़ी की स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर की रही होगी। मैं आपका ध्यान सिर्फ एक बात पर ले जाना चाहती हूं कि 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती हुई गाड़ी का ड्राइवर अगर गोली लगने से ऑन द स्पॉट मर गया हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए था। ना गाड़ी पलटी, ना किसी चीज से टकराई, ना उसका कुछ नुकसान हुआ, बल्कि सड़क के बिल्कुल बीचों बीच जाकर रुक गई। योर ऑनर, मैं अपनी क्लाइंट की तरफ से न्याय की मांग करते हुए इस केस को एडमिट किए जाने की रिक्वेस्ट करती हूँ। थैंक यू। फोटोग्राफ देखने के बाद अदालत प्रोसिक्यूशन से सहमत होते हुए मानती है कि पुलिस रिपोर्ट और असली हादसे में कुछ न कुछ फर्क जरूर है। इस केस को एडमिट करते हुए अदालत प्रोसिक्यूशन को बाकी गवाह पेश करने का मौका देना चाहती है। दिस केस इज एडमिटेड। थैंक यू योर ऑनर। इस केस की सुनवाई सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू होगी। कनी साहब, आप इसके गुरु हैं, ये आपकी गुरु है। मुझे लगता है लड़की भारी पड़ेगी हम सब पर। घबराइए मत एसीबी साहब, नया नया ड्राइवर बहुत हॉर्न बजाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो रेस जीत जाएगा, उसके लिए तजुर्बे की जरूरत है। तजुर्बा आपके सामने खड़ा है, डोंट वरी। एसीपी यशवंत ठाकुर receive state's most prestigious award. मेरे रहते हुए शहर को कोई खतरा नहीं, एसीपी यशवंत ठाकुर। परसों से
इज्जत मिट्टी में मिला थी साले ने। साला मुझ पे इल्जाम लगाएगा, मुझ पे एसीपी यशवंत ठाकुर पे इल्जाम लगाएगा। सर आप साला छोड़ूंगा नहीं उसको। ठाकुर साहब देखिए आप होश में नहीं है, आप बैठे होश में लगा मुझे। हाँ तू होश दे लगा मुझे। ठाकुर साहब आप क्या कर रहे हैं, मैं आपका आदमी हूँ। चुप साला झूठ। अगर तू मेरा आदमी होता तो भरी अदालत में मेरा मुंह काला होता नहीं देखता। उस सली जज के सामने मुझ पे इल्जाम लगा रही थी और तू चुपचाप तमाशा देखता रहा। सर प्लीज, मैंने रिकॉर्ड रूम का रजिस्टर चेक किया है। अनु श्रीवास्तव के केस की पुलिस रिपोर्ट किसी के भी नाम पे इशू नहीं की है। यानी किसी ने रिपोर्ट चोरी करके उन लोगों तक पहुंचाई है। इसका मतलब किसी ने हमारे पुलिस स्टेशन में हमारी रिपोर्ट रूम में घुस के हमारे खिलाफ काम किया है। इसका मतलब हमारी लंका में ही कोई विभीषण है। महमूद भाई कुछ दिन आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ेगा। ये आपके खाने का और बाकी का सामान है। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तकलीफों को जानता हूं। 25 साल हो गए मुझे यहां इस फोर्स में काम करते हुए। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। तुम जाओ जाओ। मिस्टर अग्निहोत्री आप कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जी। अनुज श्रीवास्तव आपके कॉलेज में पढ़ता था। जी। मिस्टर अग्निहोत्री क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि जिस रात अनुज श्रीवास्तव पुलिस एनकाउंटर में मारा गया उसी दिन सुबह आप उसे कॉलेज से रस्टिकेट करने वाले थे? जी। क्या आप ये बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों करने वाले थे? क्योंकि अनुज अपने दोस्तों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया था। क्या करते हुए? वो मेरे लॉकर से क्वेश्चन पेपर्स की कॉपीज निकाल रहा था। मतलब चोरी कर रहा था। माय लॉर्ड, चोरी कर रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री क्या आप अदालत को यह बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था? नकल करने या फिर पैसे कमाना? Maybe. Right, absolutely right, Mr. Agnihotri. Point to be noted, my lord. अनुज श्रीवास्तव अपनी अय्याशियों के लिए पैसे कमाना चाहता था। उसको पैसों की जरूरत पड़ती थी my lord. और इसलिए उसने कॉलेज से पेपर चुराकर पैसे कमाने की कोशिश की और इस कोशिश में वो नाकामयाब रहा। इसलिए उसने अपना पुराना रास्ता अपनाया, ड्रग्स बेचने का रास्ता। लेकिन my lord, शायद उसका वो दिन बहुत बुरा था। इस बार भी वो रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन उसको शायद पता था कि वो कितना संगीन जुर्म कर रहा है। इसलिए पुलिस की दो बार वार्निंग के बावजूद वो रुका नहीं और पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी माय लॉर्ड, और उसकी मौत हो गई। थैंक यू माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन को गवाह से कुछ सवाल पूछना है। यस योर ऑनर। मिस्टर अग्निहोत्री आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे? यही कोई 2500। और 2500 में से आप हर एक को पर्सनली जानते हैं? जी नहीं, सच तो यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैं नाम भी नहीं जानता। लेकिन अनुज को तो आप इस हादसे के पहले भी बहुत अच्छी तरह जानते थे, राइट? जी। आप अदालत को इसकी वजह बताएंगे? क्योंकि अनुज उन स्टूडेंट्स में से एक था जिसे सिर्फ मैं ही नहीं कॉलेज का पूरा स्टाफ अच्छी तरह से जानता था। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या ये अनुज के रिपोर्ट्स हैं? जी हाँ, ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। हमेशा 90% से ज्यादा उसके मार्क्स आते थे। यही नहीं, स्पोर्ट्स में, ड्रामेटिक्स में, डांस कॉम्पिटिशन्स में, एवरीवेयर ही वाज नंबर वन। तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज जैसा स्टूडेंट ड्रग रनिंग जैसा घिनौना काम कर सकता था? आई ऑब्जेक्ट हियर माय लॉर्ड। प्रोसिक्यूशन लॉयर मेरे गवाह के साथ सबूतों के आधार पर बात करने की बजाय
उसे गेस करने के लिए कह रही हैं। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर अपने गवाह के जरिए अनुज के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं भी वही कर रही हूँ। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो मिस्टर अग्निहोत्री, क्या आपको लगता है कि अनुज श्रीवास्तव जैसा स्टूडेंट ड्रग्स का धंधा कर सकता था? Well, I'm not sure. Point note किया जाए माय लॉर्ड। डिफेंस लॉयर अनुज के खिलाफ इल्जाम लगाने के लिए जिस गवाह को लाए हैं, he is not sure. माय लॉर्ड, मेरा अगला गवाह है अनुज श्रीवास्तव का खास दोस्त मोहित भट्टाचार्य। हाँ बोलो यादव। जब से पुलिस रिपोर्ट की कॉपी गायब हुई है, हाँ, तब से सब लोग पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं, सिवाय एक आदमी के। कौन? महमूद भाई। दो दिन से ना वो ड्यूटी पे आया है और ना ही अपने घर गया है। ए, जाने दीजिए साहब। अच्छा है महमूद भाई यार, अल्लाह हमने उसका क्या बिगाड़ा है? अब समझ में आया, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी पुलिस स्टेशन से कैसे गायब हुई। बहुत पानी पिला लिया महमूद, लेकिन तुझको पानी नहीं मिला। शराब पीता था वो, जुआ खेलता था वो, डिस्को में जाता था, पार्टियां मनाता था वो, बहुत कुछ करता था माय लॉर्ड। ये आदतें उसकी यहां तक बढ़ गई थी कि उसको एक बार अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अब इन सारे कामों के लिए माय लॉर्ड वो रोज रोज अपने बड़े भाई से पैसे तो नहीं मांग सकता ना, इसलिए उसने एक शॉर्टकट अपनाया माय लॉर्ड। लेकिन उस बेचारे को पता नहीं था कि ये शॉर्टकट पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि मौत का शॉर्टकट है माय लॉर्ड, मौत का शॉर्टकट। थैंक यू माय लॉर्ड। क्या अनुज तुम्हारा दोस्त था? जी, सबसे खास। मुझे बहुत अफसोस है कि वो सॉरी। क्या तुम अक्सर अनुज के साथ डिस्को में जाते थे? जी। तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि एक डिस्को में तुम्हारी उम्र के कितने सारे लोग एक साथ जाते होंगे? जी, यही कोई 400-500। और मुंबई शहर में ऐसे कितने डिस्कोज हैं? कोई 200-250। यानी कि 500 के हिसाब से तुम्हारी उम्र के हर रोज 125,000 लड़की लड़कियां डिस्को में जाते हैं। जी। तो क्या तुम हमेशा घर में बताकर जाते थे? जी नहीं। तो जाहिर है कि बाकी लोग भी बता के नहीं जाते होंगे। जी। तो उन्हें भी घर में से पैसे लेने की दिक्कत होती होगी? तो फिर? जी नहीं, दिक्कत तो नहीं होती, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। पॉइंट नोट कीजिए माय लॉर्ड कि मुंबई शहर में रोज लगभग 125,000 लड़के लड़कियां डिस्को में जाते हैं अपने घर में बताए बिना और कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मैनेज करके। तो क्या डिफेंस लॉयर ये कहना चाहते हैं कि रोज 125,000 लोग डिस्को में जाने के लिए ड्रग्स का धंधा करते हैं? और रही बात बड़े भाई से छिपकर सिगरेट और शराब पीने की, मैं इसे जुर्म नहीं हिंदुस्तानी सभ्यता मानती हूँ। और अनुज अपने बड़े भाई की इज्जत करने वाला एक सभ्य हिंदुस्तानी था। That's all your honor. आज का दिन काफी अच्छा रहा, सबको चुप करा दिया तुमने। अंदर नहीं आओगे? बहुत काम है मुझे, पहले घर जाना है, महमूद भाई का खाना उन्हें पहुंचाना है और उन्हें याद भी दिलाना है कि कल कोर्ट पर उन्हें। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अच्छा सुनो, कल महमूद भाई को लेकर टाइम पर पहुंच जाना, कल उनकी गवाही हो जाए तो बस फिर हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। गुड नाइट। Thank you.
इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है बेटा। बहादुर वो नहीं होता जो डरता नहीं, बहादुर वो होता है जो डर कर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। अब क्या करें बेटा? देना, भगवान के नाम पे देना। बाहर आ जाइए, काफी देर हो गई है। टैक्सी। कितना इंतजार करवाएंगे आप मिस पायल? आपने कहा आप अपने गवाह का नाम नहीं बताना चाहती, अदालत ने माना। आपने कहा आप उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना चाहती है, अदालत ने ये बात भी मानी। लेकिन अब आप अदालत का वक्त सचमुच बर्बाद कर रही हैं। योर ऑनर प्लीज, बस थोड़ी देर और, वो लोग आते ही होंगे। ये सब क्या हो रहा है मिस पायल? आपका गवाह आने वाला है या नहीं? I'm sorry, Your Honor. अचानक हालात ऐसे कुछ हो गए कि मैं अपने गवाह को पेश नहीं कर सकती। गवाह होगा तो पेश होगा ना माय लॉर्ड? गवाह अगर है ही नहीं तो अदालत में पेश कहां से होगा? मिस पायल खामखा अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है और तीन इज्जतदार लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही है माय लॉर्ड। प्लीज योर ऑनर, हमें अपनी बात साबित करने के लिए एक और मौका दीजिए प्लीज। ओके मिस पायल, लेकिन यह आपका आखिरी मौका होगा। अगली तारीख तक आप अगर कोई पुख्ता सबूत ना ला सकें तो अदालत इस केस को बेबुनियाद ठहराते हुए फैसला डिफेंस के पक्ष में देगी। द कोर्ट सेक्टर इज मंडे। ये केस मुझे नहीं लड़ना पायल। कैसी बातें कर रहे हो आदित्य? अपने भाई की इज्जत बचाने के लिए और कितनों की जान लूंगा मैं? आदित्य तुमने किसी की जान नहीं ली है, महमूद भाई तो महमूद भाई को मारा है मैंने। ना मैं उन्हें गवाही देने के लिए मजबूर करता और ना वो लोग उन्हें मारते। मेरी वजह से उसकी बीवी विधवा हो गई, मेरी वजह से उसके बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन अब मेरी वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। मैं ये केस नहीं लड़ सकता पायल, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आदित्य, महमूद भाई के कातिल तुम नहीं हो, वो लोग हैं जिन्होंने अनुज की भी जान ली है।
तुम तो दुनिया को सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मुजरिम तो वो लोग हैं जो सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लड़ाई तुम्हें लड़नी ही होगी, ये केस जीतना ही होगा तुम्हें। कोई फायदा नहीं, महमूद भाई के साथ सब कुछ खत्म हो गया, हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई आदित्य, एक उम्मीद है जो अभी भी हमें ये केस जितवा सकती है। देख लिया आप लोगों ने, उस हादसे के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई है। मैंने अनुज की हर तस्वीर को फाड़ दिया, लेकिन सारा सारा दिन ये उसी के बारे में सोचती रहती है। सारी सारी रात सो नहीं पाती, और अगर नींद आ भी जाए तो घबरा कर उठकर बैठ जाती है। कोई ऊंची आवाज में बात करे तो डर जाती है। अपने ही घर में हम टीवी नहीं चलाते। मैं नहीं चाहता कि ये कोई ऐसी चीज देखे जिससे इसे अनुज की याद आ जाए। और आप लोग इसे कोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। और आइंदा आप लोग यहां कभी मत आइए, प्लीज। पापा, पापा, मैं कोर्ट जाऊंगी। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें कहीं आने जाने के लिए मना किया है। अगर क्या हो जाएगा मुझे, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाऊंगी ना। अनुज के जाने के बाद वैसे भी कौन सी जिंदा हूं मैं। भैया, अनुज के कातिलों को सजा दिलवाने में मैं आपके साथ हूं। मिस पायल, आप अपना गवाह पेश कर सकती हैं। जी योर ऑनर, मेरी गवाह है मिस रमोना। मुझे डर लग रहा है भैया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस उनकी तरफ मत देखना। हाँ। ओके। हाँ। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा मैं और। रमोना डरो मत, सिर्फ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो रमोना। जो मैं पूछूं सिर्फ उसी का जवाब दो, ओके? हमें अनुज के कातिलों को सजा दिलानी है। 29 नवंबर की रात क्या तुम अनुज के साथ थी? हाँ। कहाँ? वो मेरे घर आया था। फिर हम लोग ड्राइव पे गए थे। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस स्टेशन। मगर क्यों? बोलो रमोना, बोलो। हाँ, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? रमोना मेरी तरफ देखो, डरो मत। रमोना इधर देखो, डरो मत। उस रात ऐसी क्या बात हुई कि तुम्हें और अनुज को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? याद करो रमोना, बोलो। अनुज और मैं गाड़ी में बैठ के बातें कर रहे थे, बहुत परेशान था वो।
क्या बोल रहा था वो? बोल रहा था अपने भैया से बहुत प्यार करता है वो, उसे अच्छा नहीं लग रहा था उनसे झगड़ा करके। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वो लोग आ गए। कौन लोग बोलो। और हमें पुलिस स्टेशन ले गए। और वहां क्या? उन्होंने अनुज के साथ। अनुज को क्या क्या किया अनुज के साथ? उन्होंने अनुज के साथ। रमोना डरो मत, तुम अदालत में खड़ी हो, जो भी कहना है साफ साफ कहो, क्या किया उन्होंने अनुज के साथ? कम ऑन रमोना, बोलो रमोना, क्या हुआ अनुज के साथ? लाइसेंस देना, गाड़ी का पेपर। अनुज को दमे की बीमारी है। अदालत की कार्रवाई लंच ब्रेक के बाद फिर शुरू की जाएगी। रमोना आप इसे घर ले जाइए, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। योर ऑनर, मेरी गवाह अपनी पूरी बात कहने से पहले ही चली गई। यहाँ मौजूद कुछ लोगों को देखकर बुरी तरह डर गई थी, लेकिन जाने से पहले उसने उन लोगों के नाम लिए जो अनुज के कातिल हैं। I object, my lord. Prosecution lawyer मेरे clients को कातिल कहने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वो एक भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाई हैं जिससे ये साबित हो सके कि मेरे clients कातिल हैं। My lord, जबकि उनका गवाह मेरे क्रॉस क्वेश्चन करने से पहले ही भाग गया अदालत से। My lord, मैं अभी एक ऐसा गवाह पेश करूंगा जिससे मिस पायल अनगिनत सवाल कर सकती हैं। वो सारे सवालों का जवाब देंगे और वो अदालत से भागेंगे नहीं। मेरे अगले गवाह हैं डॉक्टर एम के बंसल, जो जे हॉस्पिटल में साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर बंसल, क्या आप अदालत को ये बता सकते हैं कि आप कितने सालों से ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जो दिमागी रूप से कमजोर हैं? जी, पिछले 10-12 साल से। 10-12 साल से मतलब काफी तजुर्बा है आपको। जी। रमोना को जानते हैं, आपकी मरीज थी वो? जी हाँ, वो मेरे पास इलाज के लिए आया करती थी और जब से उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई है वो काफी परेशान रहती थी। परेशान रहती थी, इसका मतलब ये है कि उसकी परेशानी उसके दिमाग में चली गई होगी, तभी उसके पिताजी उसको आपके पास लेकर आए, राइट? हाँ, वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठी थी। इसका मतलब अगर मेडिकल या टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो दिमागी रूप से कमजोर थी। आप ऐसा कह सकते हैं। There you are, my lord. Prosecution lawyer, एक पागल लड़की को गवाह बनाकर केस का रुख बदलना चाहती है माय लॉर्ड। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी की मौत के बाद कुछ भी सोचती है, कोई भी कहानी बनाती है। लेकिन हमारी मित्र लॉयर पायल को यह पता होना चाहिए कि अदालत कहानियों पर नहीं ठोस सबूतों पर विश्वास करती है। इसलिए माय लॉर्ड, मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है, मेरे क्लाइंट्स को और ज्यादा परेशान करने की बजाय यह केस यहीं खारिज कर दिया जाए। प्रोसिक्यूशन ने जो सबूत पेश किए हैं वो यशवंत ठाकुर और उनके दोनों साथियों को मुजरिम ठहराने के लिए काफी नहीं है, लिहाजा यह अदालत इस केस को यही खत्म करते हुए इन तीनों को इस इल्जाम से बाइज्जत बरी करती है। वेल डन मलकानी साहब, वेल डन, फैंटास्टिक जॉब। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी हमारे ऊपर। देखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ना फैसला, दूध का दूध और पानी का पानी।
और सच पूछिए तो मुझे इस मामले में किसी से कोई शिकायत नहीं, उन लोगों से भी नहीं जिन्होंने जानबूझकर हमारी बेदाग वर्दी पे कीचड़ उछालने की कोशिश की। और सच तो ये कि मुझे ऐसे लोगों पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। अपने छोटे भाई की लाश को देखकर कोई भी पागल हो सकता है, और फिर वो तो छोटा भाई कम और बेटा ज्यादा था उनका। और बेटा कितना भी कमीना क्यों ना, माँ बाप की आंखों में क्या कर रहे हो तुम? एक दिन एक मासूम के लिए मैंने अपने हथियार फेंक दिए थे, आज एक मासूम के लिए फिर से उठा रहा हूं। आदित्य मेरी बात सुनो, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, सबूत लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें इंसाफ जरूर कौन मिलेगा। दिलाएगा हमें इंसाफ? हाँ, कौन दिलाएगा? एक मरा हुआ हवलदार, एक डरी हुई लड़की, एक भागा हुआ सिपाही या एक टूटा हुआ रिश्ता? मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए सब काफी नहीं है पायल। पागल मत बनो, इस वक्त तुम्हारे सर पे खून सवार है। तुम तो मेरी आंखों में खून देखना चाहती थी ना, एक दिन मेरे खून ना बहाने की वजह से तुम्हारी इज्जत कम हो गई थी। आज तो मैं एक जंग लड़ने जा रहा हूँ, वो भी अपने भाई के लिए, आज तुम मुझे क्यों रोक रही हो? क्योंकि तब मैं गलत थी, आज तुम गलत हो। उस गलती की वजह से मैं तुम्हें एक बार पहले खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। आदित्य मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखो, अनुज के कातिलों को मैं जरूर फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगी, लेकिन तब तक थोड़ा सा बर्दाश्त करने की। बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, यही तो करता हूं मैं आज तक। सही होकर बुजदिल कहकर नौकरी से निकाल दिया, बर्दाश्त किया मैंने। जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया उसने बीच रास्ते में मेरा हाथ छोड़ दिया, बर्दाश्त किया मैंने। मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाकर कुत्ते की मौत मार दी उन्होंने, बर्दाश्त किया मैंने। जिन हाथों से मैंने उसे पाला उन्हीं हाथों से उसकी चिता को आग लगानी पड़ी, बर्दाश्त किया मैंने। लेकिन अब मैं मेरे भाई के कातिलों को खुला घूमता देख बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिन लोगों ने अनुज को मुझसे छीना है, मैं उन लोगों की जिंदगी छीन लूंगा। अंदर मत आने देना साले को। वो साला कुत्ता फिर से आ गया सर। पछताएगा तू, बहुत पछताएगा। जिस पुलिस स्टेशन से लेके आया ना तो मुझे, अगर वहां ले जाके तेरी धुलाई ना की तो मेरा भी नाम ठाकुर नहीं। भौंक मत। सर, क्या पोजीशन है? सर 24 माले पे। तुम लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे? सर डर है कहीं वो उन तीनों को नुकसान ना पहुंचा दे। मिश्रा। जी सर। सर, तुमने उससे बात करने की कोशिश की? मगर वो किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है।
यशवंत को मोबाइल पे फोन लगाओ। सर। बोलो कमिश्नर। आदित्य, आदित्य देखो, तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो। मेरी बात सुनो, तुम अभी इसी वक्त उन तीनों को छोड़ दो और नीचे आ जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे जो होना था वो तो हो चुका, अब बारी इनकी है। जब तक ये मेरे भाई के खून का जुर्म कबूल नहीं कर लेते, इन्हें यही रहना होगा। बेवकूफ मत बनो आदित्य। देखो, अदालत अपना फैसला सुना चुकी है और कोई कुछ नहीं कर सकता है। अदालत ने जो सुना वो आधा सच था, पूरा सच मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है, समझे? और अगर तुमने, अगर आपके किसी आदमी ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की तो उसकी मौत के जिम्मेदार आप होंगे। बेटी, आदित्य को मैंने ट्रेन किया है और मैं जानता हूं कि जब तक वो एसीपी और उसके साथी उसकी बात नहीं मान लेते, वो तीन तो क्या पूरी पुलिस फोर्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन पापा, वो लोग उसके सामने झुकेंगे क्यों? फौजी अपनी जिद पर आ जाए तो दुश्मन देश का झंडा झुका सकता है, और फिर ये तो तीन पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले जिन्होंने उसके भाई का खून किया है। लिख इस पे कि अनुज श्रीवास्तव बेकसूर है और तूने इन दोनों के साथ मिलकर उसका खून किया है। पागल हो गया तू। चल एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और तेरे इन कागजों पर दस्तखत कर दिए। तुझे क्या लगता है कि मुझे फांसी हो जाएगी? अब सारी दुनिया जानती है कि तूने हमें बंदी बना रखा और तेरे हाथ में है बंदूक। सब समझ जाएंगे कि तूने बयान जबरदस्ती लिखवाया है। मुझ पे ऑर्डर चलाना बंद कर और अपनी फिक्र कर। देख, आ गए हैं तेरे बाप लोग। ये क्या कर रहा तू? हाँ, क्या कर रहा तू? अगली बार ये गलती हुई तो मैं एक एक करके तीनों को नीचे फेंक दूंगा। सर, ये उससे बात करना चाहती है। आदित्य, फोन कट मत करना, तुमसे कोई बात करना चाहता है। आदित्य, मैं बोल रही हूं। पायल। तो अब ये तुम्हें हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ आदित्य। मैं तुम्हें बस। ये जंग मैं अपने भाई के माथे पे लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए लड़ रहा हूँ और वो मैं करके रहूंगा, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या किसी की जान लेनी पड़े। तुझसे ज्यादा समझदार तो तेरी माशूका है, मान ले उसकी बात और दोनों हाथ उठा के अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दे, शायद तेरी जान बच जाए। जिन लोगों से तू पंगा ले रहा है ना, स्पेशल फोर्स के लोग, तुझ तक पहुंचने के लिए वो आसमान से भी रास्ता बना सकते हैं।
तक तुम लोग अपने जुर्म का इकबाल नहीं करोगे तुम पुलिस वालों का यही हाल होता रहेगा। बता सच क्या है? हे, हे क्या कर रहे तू? हमको मारेगा तू, तू भी नहीं बच पाएगा। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, पर तू आखिरी बार सोच ले अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं। हे, ए, छोड़ दे मुझे, ए, छोड़ दे मुझे। तेरी बारी है। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो तो जैसा एसीपी साहब ने कहा वैसा ही हमने किया सर। तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी, वो तो भाई मर गया था पुलिस स्टेशन। मैं क्या बकरा है, दिमाग खराब हो गया कि तेरा? मुझे बोलने दीजिए सर, देखा नहीं आपने उसने यादव को गोली छोड़ा दिया? और फिर एसीपी साहब ने उस लड़की से कहा कि वो उसे साथ बिठा कर गाड़ी में ले जाए। हम लोग तो पीछे पीछे थे दूसरी जीप में, और इनके कहने पर हमने झूठा एनकाउंटर करके उस पर गोलियां चलाई। इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। वो तो बेकसूर था वो। हाँ, अब मैं जाऊं। आदित्य, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। इस वक्त मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। आदित्य प्लीज, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, प्लीज सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं लिफ्ट नीचे भेजता हूँ। देख मुझे मत मार, मैं सब कुछ सच बता दूंगा, मुझे मत मार। मैंने मारा था तेरे भाई को। तो क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? बस सुबह चलती थी साले की, बोलती बंद कर दी मैंने, बोलती बंद, और मार के जान निकाली है साले की, फिर बीच सड़क पे ले जाके कुत्ते की तरह दोबारा गोलियां दाग दी साले। पर कौन बोलेगा अदालत पे? महमूद भाई को तो हमने उड़ा दिया, यादव को तूने मार दिया, रहा सावंत। तुझे तो मैं खत्म कर दूंगा। सर, इसने यादव और सावंत को मेरे सामने मारा है सर। मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोलता है सर, इसने मेरे आंखों के सामने यादव और सावंत को मारा है, झूठ बोलता है सर ये। सर मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके हाथ छोड़ दो। मैंने यादव को तो नहीं मारा, पर इसने सावंत को मेरी आंखों के सामने मारा है। हे, हे क्या कर रहे तू?
हमको मारेगा तो तू भी नहीं बच पाएगा। मेरी कोई गलती नहीं है सर, वो तो जैसा एसीपी साहब ने कहा वैसा ही हमने किया सर। तुम्हारे भाई के साथ मारपीट कुछ ज्यादा ही हो गई थी, वो तो भाई मर गया था स्टेशन में। क्या बकरा है, दिमाग खराब हो गया की तरह? इन्होंने गोलियां चलाई सर, इन्होंने। मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता था कमिश्नर साहब। अगर इन्हें मारना होता तो मैं कब का मार देता। मैंने जो कुछ भी किया अनुज को बेकसूर साबित करने के लिए किया है। इन्हें सजा मिलने से मेरा अनुज वापस तो नहीं आएगा, मगर कई बेगुनाह बच जाएंगे। इनके किए की सजा इन्हें जरूर मिलेगी और तुम्हारा भाई अनुज बेगुनाह साबित होगा। ले चलो इन्हें, चलो।